अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉचडीबी। कॉचडीबी बेसिकली ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस है, डिवेलप किया गया बाय दी अपैच सॉफ्टवेयर फाउंडेशन से। इसको रिटर्न किया गया अरलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं डेटाबेसिस की। फर्स्ट है RDBMS जो फॉलो कर रही है एसक्यूएल को, सेकेंड है नो एसक्यूएल। फर्स्ट हम यहाँ पे लर्न करेंगे RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS बेस्ड करे रिलेशनल मॉडल पे इंट्रोड्यूस किया गया EF कोड पे। ये बेसिक है SQL के लिए। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं RDBMS को। ये डेटाबेसेस जो है वो रिप्रेजेंट की गई है जिस तरह Oracle है, MySQL है, MSSQL सर्वर है, IBM है, DB2M और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड सो ऑन। इन RDBMS डेटा जो है वो स्टोर्ड कर रहे हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में लाइक टेबल्स है। टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इंटायर कर रहा है, कंटेन कर रहा है कॉलम्स एंड रोज को। ये स्टोर कर रहा है ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा को। सेकेंड टाइप है यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेसिस। नो एसक्यूएल डेटाबेसिस अदर टाइप्स ऑफ डेटाबेसिस है जो प्रोवाइड कर रही है मैकेनिज्म, स्टोर कर रही है, रीड्राइव कर रही है डेटा अदर देन द टेबुलर फॉर्म यूज इन RDBMS। नो एसक्यूएल डेटाबेसिस आर स्कीमा फ्री है, कंसिस्टेंट है, सपोर्ट इजी एप्लीकेशन है, सिंपल API है जो हैंडल कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। नो एसक्यूएल डेटाबेसिस आर सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन है, सेकेंड हॉरिजेंटल स्केलिंग है, थर्ड है फाइनर कंट्रोल ओवर अवेलेबिलिटी है। नो एसक्यूएल डेटाबेस फास्टर है देन RDBMS है क्योंकि ये डेटा जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपेयर कर रिलेशनल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर कर रहा है बहुत स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक ऑडियो फाइल्स है, वीडियो फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। नो एसक्यूएल डेटाबेस डिवाइड कर रहा है थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा स्टोरिंग नेचर। की वैल्यू स्टोर है, सेकंड कॉलम स्टोर है, थर्ड है डॉक्यूमेंट स्टोर। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसको डिवाइड किया गया की वैल्यू स्टोर में, सेकंड कॉलम स्टोर, थर्ड है डॉक्यूमेंट स्टोर। की वैल्यू स्टोर के अंदर जो है वो कैसेंड्रा, डायनामो डीबी है, उसके बाद जो है वो बर्कली डीबी है और राइक। कॉलम स्टोर की बात करूं जिसमें बिग टेबल है, एच बेस है, हाइपर टेबल है। डॉक्यूमेंट स्टोर के अंदर कॉच डीबी और मोंगो डीबी से रिप्रेजेंट किया गया। की वैल्यू स्टोर, ये डेटाबेसेस डिजाइन किए गए हैं जिसमें स्टोर कर रहे हैं डाटा इन कीज वैल्यूज पेयर में। ये डेटाबेस में जो है वो रिप्रेजेंट किए गए कंटेन कर रहे हैं वैल्यू इंडेक्सेस और की वैल्यू ऑफ आर डेट की के लिए। पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस आर कैसेंड्रा, डायनामो डीबी, बर्कली डीबी, राइक एंड सो ऑन। सेकेंड है कॉलम स्टोर, ये डेटाबेसिस यूज कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं डाटा इन सेल्स में। ये सेल्स जो है वो ग्रुप की फॉर्म में कॉलम ऑफ डाटा है और ये कॉलम जो है वो फर्दर ग्रुप्ड है, कन्वर्ट कर रहे हैं कॉलम फैमिलीज से और ये कॉलम फैमिलीज कंटेन कर रही है एनी नंबर ऑफ कॉलम्स को। पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं कॉलम स्टोर डेटाबेसिस आर बिग टेबल है, एच बेस है और हाइपर टेबल एंड सो ऑन। थर्ड यहाँ पे टाइप्स है लास्ट डॉक्यूमेंट स्टोर। ये डेटाबेसिस फॉलो कर रहे हैं बेसिक आइडिया ऑफ की वैल्यू स्टोर्स। डॉक्यूमेंट्स कंटेन कॉम्प्लेक्स डेटा और हर डॉक्यूमेंट जो है वो असाइंड है यूनिक की के साथ जिसको यूज कर रहे हैं रिट्राइव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। ये डेटाबेसिस यूज कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं रिट्राइव कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेसिस आर CouchDB, MongoDB एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।